आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, परिवहन मंत्री रणछोड़ भाई फलतू जी, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, सचिव प्रदीप कुमार त्रिपाठी इस्पात मंत्रालय, हमारे विभाग के सचिव गिरिधर हरमनी जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, आज का यह दिन हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आप सबको पता है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स देने वाली और सबसे ज्यादा हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री का और विकास हो और आत्मनिर्भर भारत में, भारत के निर्माण में हम जो नई नीतियों के साथ इस देश को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं, उसमें निश्चित रूप से इस क्षेत्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमने 2015 से इस पॉलिसी पर अध्ययन शुरू किया और आज मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका प्रारंभ भी होने जा रहा है। हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया क्योंकि पेरिस में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो पेरिस एकॉर्ड हुआ, उसमें हमारे देश में हमने पोल्यूशन के बारे में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। देश के इतिहास के तीन महत्वपूर्ण पिलर हैं, एक है इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के क्षेत्र में हमारे सभी विभागों ने मिलकर हमने ये निर्णय किया कि जो पोल्यूशन के नॉर्म्स थे BS4, उसको हमने BS6 पोल्यूशन नॉर्म्स के लिए एकदम जंप करके उसके ऊपर जाने का निर्णय किया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इसके बारे में काफी रिजर्वेशन था, पेट्रोलियम कंपनी ने बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया और आज हमने BS6 के पोल्यूशन नॉर्म्स को बहुत यशस्वी रूप से उसके ऊपर अमल किया है। पोल्यूशन के साथ साथ व्हीकल का फिटनेस, फ्यूल इफिशेंसी और रोड सेफ्टी, ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब इकोनॉमिक मॉडल में भी हमने रोड सेफ्टी में जो एयर बैग्स है वो मैंडेटरी की है ताकि हम लोगों की जान बचा सके। हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत में करीब 1 करोड़ ऐसी गाड़ियां थी जो बिना वैलिड फिटनेस के साथ, फिटनेस के बिना चल रही थी। उसके कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा था और फ्यूल में भी काफी खर्चा हो रहा था क्योंकि उसमें फ्यूल इफिशेंसी नहीं थी और सेफ्टी के दृष्टि से भी अपने नॉर्म्स वो पूरी नहीं कर रही थी। और इसलिए स्वाभाविक रूप से स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत उसी विचारों से हुई है। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10-12% अधिक पर्यावरण को निश्चित रूप से उसकी रक्षा करते, क्योंकि इसका जो पुराने वाहनों का जो प्रदूषण प्रमाण है वो 10-12 गुना अधिक है। और रोड सेफ्टी के लिए वो एक जोखिम के रूप में हमारे सामने है, निश्चित रूप से पुराने वाहनों को लेकर एक समस्या भी है। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का कुल टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ का है। इस इंडस्ट्री से लगभग 3.7 करोड़ लोगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार मिला है। ऑटो इंडस्ट्री का कुल एक्सपोर्ट 3.5 लाख करोड़ का है और कोविड महामारी के बावजूद भी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कुल रिकवरी प्री कोविड के मुकाबले 98% हुई है। हमने जो पॉलिसी के समय जो क्राइटेरिया निश्चित किया है कि इस पॉलिसी में स्क्रैपिंग का प्राइमरी क्राइटेरिया गाड़ी का फिटनेस यही रखा गया है, एज नहीं। और इसलिए फिटनेस ये क्राइटेरिया रखने के कारण हम देश भर में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर PPP मोड में हम फिटनेस सेंटर के भी निर्माण करने वाले कार्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एज से केवल बढ़ती हुई एज अगर बढ़ा तो उसमें केवल हमने रजिस्ट्रेशन फी और फिटनेस सर्टिफिकेट फी जो है वो लागू की है। ये पॉलिसी सब स्टेक होल्डर्स के लिए फायदेमंद है और सबके लिए इसकी उपयोग भी होगा। इसका कारण ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसके कारण बढ़ावा मिलेगा, उसके साथ विशेष रूप से इसी के कारण हमारे सेविंग्स भी बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो हमको मेटल्स लगती है, कॉपर, एल्यूमिनियम,
स्टील, रबर, प्लास्टिक, ये सब इसमें से वेस्ट के रूप में निकलेगा और जिससे हमारी कॉस्टिंग भी कम होगी और रोजगार की भी निर्मित होगी। जो नई व्हीकल आएगी वो रोड सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे करने के कारण हम जनता का रक्षण भी कर सकेंगे और रॉ मटेरियल में कॉस्ट लो होने के कारण फिनिश प्रोडक्ट जो है उसकी कॉस्ट भी कम होगी। जैसे कॉस्ट कम होगी तो इंटरनेशनल मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के साथ हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ेगा और रोजगार भी निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से ये विन विन पॉलिसी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए है। स्क्रैप मटेरियल से जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सस्ते दाम में रॉ मटेरियल प्राप्त होगा, इसके कारण स्वाभाविक रूप से आप सबको पता है कि हम एल्यूमिनियम, कॉपर इम्पोर्ट करते हैं और इसलिए जब हमारे देश में ये वेस्ट हमको मेटल वेस्ट मिलेगी तो इसके कारण निश्चित रूप से हमारा इम्पोर्ट कम होगा। कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, रबर एंड प्लास्टिक निश्चित रूप से ये हमारे लिए उपलब्ध होगा। अगर नियमित रूप से स्क्रैपिंग की जाए तो करीब 99% तक इसकी रिकवरी हो सकती है और जिससे रॉ मटेरियल के कारण कॉस्ट में, रॉ मटेरियल की कॉस्ट में 40% तक कमी आएगी, ऐसा अनुमान है। मुझे विश्वास है कि इससे कंपोनेंट सस्ते बनेंगे और जिसके वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस हमारा बढ़ेगा और क्वालिटी में भी वृद्धि होगी, जिससे ऑटोमोबाइल का सेल्स भी बढ़ेगा। अनुमान है कि बढ़े हुए सेल्स की वजह से भारत सरकार को जीएसटी में लगभग 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा और स्टेट गवर्नमेंट को उनके जीएसटी में भी करीब 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। डिपॉजिट सर्टिफिकेट के आधार पर नए वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट भी मिलेगी, इसका भी अनुरोध हमने कंपनियों को किया है। रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भी भारी छूट मिलेगी जो उस गाड़ी को स्क्रैप करेंगे। गाड़ी की स्क्रैप वैल्यू भी कम से कम 4 से 7% तक आएगी और उसके कारण उसका भी जो इनकम है वो भी निश्चित रूप से इससे मिलेगा। जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इसके कारण मिलने वाली है उसमें स्क्रैपिंग सेंटर्स, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स, इसकी वजह से करीब 10 हजार करोड़ की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में आएगी और करीब 50 हजार लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलने की संभावना है। स्क्रैपिंग सेंटर्स में जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स लगेंगे उसमें निश्चित रूप से प्राइमरी क्राइटेरिया यही है कि मैक्सिमम रिकवरी ऑफ रॉ मटेरियल कैसे हो जाए। बाद में इसको शायद सेग्रीगेट भी करना पड़ेगा, उसकी भी हमने प्लानिंग की है, जिसमें प्लास्टिक, कॉपर, एल्यूमिनियम, इसको सेग्रीगेट करके हम हमारे एंसिलरी इंडस्ट्रीज को दे सकेंगे, जिसके कारण इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। दुनिया में बेल्जियम और जापान, इस देशों ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है और उन्होंने उनके सिस्टम का भी अध्ययन करके हमने पॉलिसी में उन सब बातों को हमने स्वीकार किया है। हमारा लक्ष्य है कि किसी भी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के लिए गाड़ी को कम से कम 150 से 200 किलोमीटर दूर ज़्यादा जाने की जरूरत ना पड़े, इतने स्क्रैपिंग सेंटर्स बने ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो। हर जिले में एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी हो और जिससे फुल्ली कंप्यूटराइज चेकिंग होगा और ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर जो है ये पीपीपी मोड में करने की हमारा प्रयास है, ये भी निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी। जो स्क्रैप मटेरियल में जैसे एलिमेंट्स है उसमें लिथियम है, एल्यूमिनियम भी है, वो भी प्राप्त होगा और इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी में जो विशेष रूप से मैन्युफैक्चर में काम आती है जो मेटल है वो भी पुराने गाड़ी के मैग्नेट से उधर से निकलेगी, जो लिथियम आयन बैटरी बनाने में काम आएगी। जो भंगार स्क्रैपिंग इंडस्ट्री को एक इनफॉर्मल स्वरूप में है उसको यह पॉलिसी फॉर्मलाइज कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। और एक अच्छी बात गुजरात के लिए महत्वपूर्ण है कि मैं जब शिपिंग मिनिस्टर था तो हमने कांडला पोर्ट का ड्राफ्ट 18 मीटर बनाया। हमारे आजू बाजू के देशों में स्क्रैपिंग की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ की पुराने गाड़ियों को इस प्रकार से बराबर कंटेनर टाइप उसका पैकिंग करके अगर 2 लाख टन का शिप अगर कांडला में आता है तो उससे और सस्ता रॉ मटेरियल जो हम कॉपर और एल्यूमिनियम इम्पोर्ट करते हैं उसके बजाय ये अगर स्क्रैपिंग आएगा तो कांडला में इसमें विशेष रूप से इकोनॉमिकली फायदा होगा। मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कांडला में इस प्रकार का इंडस्ट्रियल क्लस्टर अगर होता है तो निश्चित रूप से 18 मीटर के ड्राफ्ट के कारण दुनिया भर की जो स्क्रैप मटेरियल है, गाड़ियाँ है, वो अगर आएगी तो इसका एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्लस्टर वहाँ हो सकता है। मैं एमएसएमई मंत्री था तो थोड़ा इसमें प्रयास किया, आप जरूर इसमें
आगे अध्ययन करिए और आपको उचित लगेगा तो इसका निश्चित रूप से फायदा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें विशेष अनुरोध किया था कि विशेष रूप से अलंग में एक इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग हब बनाने का लक्ष्य है। आप सबको पता है कि हमारे जो शिप्स है जो पुराने हो जाते हैं उसका स्क्रैपिंग करने के लिए पूरे बहुत दिनों से अनेक सालों से वहां आते हैं और ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है, रोजगार देने वाला है, देश की वेल्थ को समृद्ध करने वाला है। तो निश्चित रूप से अलंग में भी हमने इंटीग्रेटेड स्क्रैपिंग हब बनाने के लिए हमारे तरफ से राज्य सरकार के सहयोग से हम निश्चित रूप से इनिशिएटिव लेंगे। भारत में पूरे साउथ ईस्ट एशिया को स्क्रैपिंग हब भारत को बनाने का हमारा सपना है। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों की स्क्रैप गाड़ियाँ ये जो 18 मीटर का ड्राफ्ट है कांडला पोर्ट में उसका उपयोग करके यहाँ लाकर ये निश्चित रूप से हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनके नए रोजगार का भी निर्माण होगा। और यही इंडस्ट्री है कि जो देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देती है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। अभी टू व्हीलर इंडस्ट्री में हमारा 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हम इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और ग्रीन हाइड्रोजन, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने ग्रीन हाइड्रोजन का भी मिशन जाहिर किया है। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके निश्चित रूप से आगे इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और मेरा विश्वास है कि देश की इकोनॉमी को जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसमें ये नीति निश्चित रूप से काम में आएगी, रोजगार भी निर्माण करेगी, एक्सपोर्ट भी बढ़ाएगी, वेल्थ भी बढ़ेगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और देश, हम ये सपना हमने तय किया है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान, ये आज ऑलरेडी हमारे पास सब वर्ल्ड के ब्रांड्स हमारे देश में उपस्थित है और हम ये कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर वन का वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हम हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे मिनिस्ट्री की ओर से निश्चित रूप से 5 साल में यह हमारा सपना पूरा होगा। वर्ल्ड के जितने रेपुटेड ब्रांड्स हैं वो पूरे हिंदुस्तान में उनका प्रेजेंट है और बाकी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के हैं वो भी आने के लिए तैयार हैं। और अब हमने ई व्हीकल में भी काफ़ी लीड लिया है, लिथियम आयन बैटरी 86% इंडिया में बनाते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन में भी काफ़ी सभी शुरुआत हुई है। तो मेरा विश्वास है कि ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान के विकास में, हमारी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। आज इस ऐतिहासिक कार्य का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है, मैं हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। बीबीएमबी की विविध नीतियाँ और प्लानिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे निवेशकों को समझने में और उद्योग करने में आसानी हो। इसीलिए आज के सुअवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीवीएमबी इन्वेस्टर हैंडबुक का अनावरण करेंगे और उनके साथ ही मंचस्थ विराजमान सभी महानुभाव अनावरण विधि में जुड़ेंगे।